हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एनसीबल इन्वेंट्री फाइल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में बात की थी एनसीबल कंट्रोलर के बारे में, और उसमें और अपन ने एनवायरनमेंट भी सेटअप किया था जिसमें दो नोड को एनसीबल कंट्रोलर मैनेज करने वाला था। एनसीबल कंट्रोलर जो है वो बाकी दूसरे सिस्टम्स को मैनेज करता है, जैसे कि सपोज अपने एनवायरनमेंट में टोटल 1000 मशीन्स हैं, तो उन सब मशीन्स में जाके एडमिन को अपाचे 2 इंस्टॉल करना है। और यदि एडमिन एक एक मशीन पे जाके इंस्टॉल करेगा तो शायद उसको 2 दिन 3 दिन या हो सकता है उससे भी ज़्यादा दिन लग जाए, ठीक है, अपाचे इंस्टॉल करने में। दूसरा रास्ता क्या है, एडमिन जाएगा और एक एक को रिमोटली एक्सेस करेगा। पहली मशीन को रिमोटली एक्सेस किया एंड वहाँ पर अपाचे इंस्टॉल किया, उसके बाद में दूसरे मशीन को रिमोटली एक्सेस करेगा एंड उसके अंदर अपाचे इंस्टॉल करेगा। तो ये भी एक लेंथी प्रोसेस हो जाती है, इसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। तो इसके बाद में अपन तीसरा वे जो एडमिन के पास होता है वो होता है कि कोई भी ऑटोमेशन टूल यूज़ करे, जैसे कि एनसीबल यदि वो यूज़ करेगा तो इससे वो उसका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो अभी जो एनसीबल कंट्रोलर है वो क्या करेगा, दूसरे मशीन्स पे जाएगा और आपका अपाचे 2 इंस्टॉल कर देगा। तो अभी जब ये काम एनसीबल कंट्रोलर करेगा तो उसको क्या होता है, स्टेबिलिटी चाहिए होती है, और स्टेबिलिटी के लिए जो एनसीबल कंट्रोलर है वो यूज़ करता है लिनक्स मशीन में तो SSH यूज़ करेगा, और विंडोज़ के लिए वो WinRAR यूज़ करता है, ठीक है। और अभी एडमिन है, उसको सारे मशीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, मीन्स किस मशीन के अंदर क्या यूज़र नेम है और क्या पासवर्ड है। तो वो जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड होता है वो जो एडमिन है वो एक फाइल में स्टोर करके रखता है, और वो जो फाइल है उसको अपन बोलते हैं इन्वेंट्री फाइल, ठीक है। तो उसके इन्वेंट्री फाइल्स के अंदर क्या क्या चीज़ स्टोर होती है, इन्वेंट्री फाइल्स के अंदर आपके होस्ट का आईपी एड्रेस होगा मशीन का, या DNS नेम हो सकता है, उसके बाद में उसका SSH यूज़र, उसका पासवर्ड, और जो SSH सर्विस जो चल रही है वो कौन से पोर्ट पे चल रही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 22 पोर्ट पे चलती है, पर हो सकता है किसी मशीन में 22 पोर्ट पे ना चल के किसी दूसरे पे चल रही हो, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो इन्वेंट्री फाइल में होता है। और जो इन्वेंट्री फाइल होती है ये INI फॉर्मेट में हो सकती है या फिर ये YAML फॉर्मेट में भी हो सकती है, बट इस वीडियो में अपन INI फॉर्मेट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एनसीबल की जो डिफ़ॉल्ट इन्वेंट्री फाइल होती है वो फाइल होती है ETC के अंदर एनसीबल और उसके अंदर होस्ट नाम का। तो चलिए सबसे पहले अपन ये डिफ़ॉल्ट फाइल ही देख लेते हैं एनसीबल की। तो ये जो है ये एनसीबल की डिफ़ॉल्ट इन्वेंट्री फाइल है, Ansible and host। ठीक है, तो अभी अपन इसके अंदर क्या करते हैं, अपन एक एंट्री ऐड कर देते हैं एक सर्वर की, और उसके बाद में अपन उस सर्वर को पिंग करा के देखेंगे यूजिंग एनसीबल। तो सपोज अपन ने ये ऐड कर दिया, ये अपन ने यूज कर दिया, तो इसमें अपन ने क्या किया है, आईपी एड्रेस डाला है मशीन का और उसका पासवर्ड डाल दिया। तो बाय डिफॉल्ट जो एनसीबल होता है वो आपका जो यूजर नेम होता है वो रूट लेता है, ओके, एंड जो कनेक्शन रहेगा वो आपका बाय डिफॉल्ट SSH रहेगा, और उसके अलावा कनेक्शन रहेगा वो SSH रहेगा और यूजर नेम रूट रहेगा, एग्जैक्टली, ठीक है। अभी अपन क्या करते हैं, इस मशीन को पिंग करते हैं यूजिंग एनसीबल। तो अपन ने जो एंट्री की थी उसका आईपी एड्रेस था 16.25.16, ठीक है। तो करते हैं एनसीबल -m, m स्टैंड फॉर मॉड्यूल्स। अभी ये मॉड्यूल्स क्या होता है ये अपन नेक्स्ट वीडियोज में देखने वाले हैं। तो 192.168.25.16 के अपन इस मशीन को पिंग करने वाले हैं एंड यूजिंग पिंग मॉड्यूल सी SSH कनेक्शन फेल, क्योंकि अपन जो अपना जो VI/ATC एनसीबल एंड एनसीबल के अंदर होस्ट, यहाँ पे अपन है SSH पासवर्ड यूज कर रहे हैं, तो SSH पासवर्ड जो है
इसके लिए अपने मशीन के अंदर SSH पास यूटिलिटी इंस्टॉल्ड होना जरूरी है। तो चलो करते हैं वो स्टार्ट इंस्टॉल। ठीक है, हो गया। अभी वापस कमांड करते हैं रन। ग्रेट, ये पिंग किया एंड सर्वर जो रिप्लाई था सिस्टम मशीन का वो पोंग। तो आज के वीडियो में अपन केवल पिंग पोंग ही करके देखने वाले हैं। चलो अब अपन इस फाइल को, अभी अपन जो है अपन डिफॉल्ट फाइल यूज नहीं करेंगे, अपन जो है अपन खुद का एक इन्वेंट्री फाइल बना के रख रखी है अपन ने पहले से, जिससे अपना टाइम कंज्यूमिंग है वो थोड़ा कम रहे, वीडियो तो छोटा बने। तो मैं ये जो लाइन है इसको मैं वापस कमेंट कर देता हूँ। देखो ये लाइन मैंने कमेंट कर दी, वापस ट्राई करता हूँ। सी, आपका जो होस्ट फाइल है वो एम्प्टी है तो ये उसको नहीं कर रहा। चलो एनीवे अब अपन करने वाले हैं गाइस, एक चीज जो आपको ध्यान रखने वाली बात है कॉन्फ़िगरेशंस के लिए वो है, ये होस्ट की चेकिंग फॉल्स होना चाहिए क्योंकि हो सकता है इसके बाद आपके मशीन पे एरर आए। तो मेक श्योर ये लाइन कमेंट नहीं होनी चाहिए आपके एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, ठीक है। तो चलो आगे अपन देखते हैं। तो अभी अपन वापस अपना एक इन्वेंट्री फाइल बनाते हैं एंड इस फाइल के अंदर केवल अपन ने एक एंट्री करवाई है। तो ये जो एंट्री है, लेट मी दिस वन, यस। तो इसके अंदर अपन ने क्या किया है, ये अपन ने अपना होस्ट डाला है 192.168.25.15 एंड इस मशीन का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड ही है एंड जो अपना एनसीबल कनेक्शन रहेगा वो SSH रहेगा, पोर्ट रहेगा वो रहेगा 22 एंड एनसीबल यूजर जो है वो रहेगा रूट। ओके एंड यस, ये क्या चीज़ है इसके बारे में नहीं बताया। तो ये है एलियास, मीन्स अभी आप वहाँ पे जब आपने लास्ट टाइम पिंग करवाया था तो आपने पूरा का पूरा आईपी एड्रेस डाला था, राइट। जैसे एनसीबल N192.168.25.15, राइट, एंड उसके बाद में हाइफन एम एंड पिंग। तो अभी आपको वो आईपी एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ पे केवल वेब सर्वर 1 लिख देंगे तो आपका पिंग होगा। तो देखते हैं करके, एनसीबल नाम था वेब सर्वर 1, राइट, एंड मॉड्यूल, मॉड्यूल कौन सा रहेगा, मॉड्यूल वही पिंग, केवल अपन पिंग करके देखने वाले हैं। वाह, क्यों अपना जो एनसीबल अपन ने यहाँ पे इन्वेंट्री फाइल प्रोवाइड नहीं करवाई। तो यदि अपन ने यदि एनसीबल फाइल में इन्वेंट्री फाइल प्रोवाइड नहीं करवाई तो उसने डिफॉल्ट फाइल ले ली, जो डिफॉल्ट फाइल थी वो कौन सी थी, ETC के अंदर एनसीबल एंड उसके अंदर होस्ट। तो अभी अपन को अपनी जो इन्वेंट्री फाइल है वो बतानी है कि भाई नहीं वो वाली फाइल यूज मत कर, ये वाली फाइल यूज कर। तो उसके लिए हाइफन आई एंड inventory.txt सी। तो अभी इसने जो रीड किया वो इसने रीड किया inventory.txt फाइल, राइट, ओके। तो अब ये पिंग हो रहा है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन अपनी इन्वेंट्री फाइल को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। तो मैंने पहले से ही बहुत सारी इन्वेंट्री फाइल्स बना के रख रखी है, अभी अपन ने इसके अंदर केवल दो एंट्री डाली है, राइट, कैट inventory1.txt। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, वही यहाँ पे जो पहला है ये आपका वेब सर्वर की एंट्री है पूरी, और जो सेकेंड एंट्री है वो है आपकी डेटाबेस सर्वर या SQL सर्वर की एंट्री है, ठीक है। अभी अपन को क्या करना है, अपन ने लास्ट टाइम पिंग करवाया था वेब सर्वर, अभी अपन को SQL सर्वर पिंग करवाना है, राइट। एंड अपना इन्वेंट्री फाइल है एनसीबल inventory.txt, राइट, SQL सर्वर पिंग हो गया, फाइन।
अब मुझे क्या करना है, मुझे दोनों के दोनों पिंग करवाने हैं, वेब सर्वर भी एंड एसक्यूएल सर्वर भी। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए सिंपली अपन यहाँ पे ऑल यूज कर लेंगे भाई, जितना कुछ भी है सबको पिंग कर दे। फाइन, देखो दोनों के दोनों मशीन्स पिंग हो गए, राइट। अब उसके बाद में अपन इस इन्वेंट्री फाइल को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो आप, मैंने मॉडिफाई करके ऑलरेडी रखा है इन्वेंट्री 2.txt, ग्रेट। वही टोटल 10 मशीन है, 5 वेब सर्वर, 5 आपके एसक्यूएल सर्वर। वापस यदि आपको सारे के सारे इनको करना है तो वही सी, ओ सॉरी, इन्वेंट्री फाइल एंसिबल टू, तो ये आपके सारे के सारे मशीन्स को जाके पिंग करने का ट्राई कर रहा है, बट बाकी के जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, तो पिंग कहाँ से होंगे, पिंग नहीं होंगे, ठीक है। वो तो बाकी की जो एंट्रीज थी वो डमी एंट्री थी, ठीक है। ठीक है, एक चीज और ट्राई करते हैं, ये जो है वाइल्ड कार्ड, मतलब उसके अंदर वेब सर्वर एंड स्टार, तो जो भी एंट्री वेब सर्वर से स्टार्ट होगी उन सबको इसने पिंग करवाया है। सी, वेब सर्वर 1, वेब सर्वर 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद में उसने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि एक तरीके से आप उसको बोल सकते हो पैटर्न मैचिंग, राइट। ठीक है, चलो तो अभी इस इन्वेंट्री फाइल को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। 1, 2 हो गया, ठीक है। अभी अपन करते हैं इन्वेंट्री ग्रुप डॉट टी एक्स टी वाली फाइल को, तो वी आई स्पेस इन्वेंट्री, ओके, लेट मी इन्वेंट्री अंडरस्कोर ग्रुप डॉट टी एक्स टी, राइट। तो इसके अंदर हुआ क्या, वही आपके 10 है। तो लास्ट टाइम अपन ने क्या किया था, अपन ने सारे के सारे वेब सर्वर किए थे, पर सपोज करो जैसे यहाँ पे ये वेब सर्वर 5 है, इसकी जगह ऐसे आ जाए कि अपाची 5, राइट। तो आपका पैटर्न मैचिंग उस जगह फेल हो जाएगा, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ग्रुप बना के रख देते हैं। तो ये अपन ने एक वेब सर्वर्स का ग्रुप बनाया, इसके अंदर अपन ने वो सारे 5 वेब सर्वर्स के नाम डाल दिए, जो उन 5 मशीन्स के नाम डाल दिए जो वेब सर्वर है। तो आप इसकी जगह आप डाल सकते थे यहाँ पे अपाची 2, राइट। एंड यहाँ पे आपने आपके डेटाबेस सर्वर्स का डाल दिया। अब करना क्या है, अब अपन को वापस वही कि मुझे केवल डेटाबेस सर्वर जो है उनको पिंग करवाना है, या केवल उनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करना है, बाकी के किसी और मशीन में कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना। तो ये चीज़ अपन कैसे करेंगे, राइट। तो वही वापस एंसिबल डेटाबेस सर्वर्स, राइट। एंड वही मॉड्यूल पिंग, राइट। तो अभी ये क्या करेगा, ये चीज़ एंट्री करेगा और इसके अंदर ये 5 है, तो इन 5ों के 5ों को जाके ये पिंग करेगा। तो देख लेते हैं करा के। ओप्स, वापस वही मैं इन्वेंट्री फाइल बताना भूल गया, और ये जो है इसने डिफॉल्ट फाइल में जाके चेक किया। तो अपन इन्वेंट्री फाइल डॉट टी एक्स टी, ग्रेट, हो जा, यस। तो सी, इसने ट्राई किया, तो बाकी के सारे पिंचेबल ही नहीं है, तो नहीं किया। वही अभी वापस मैं केवल वेब सर्वर्स को पिंग करवा के देखने वाला हूँ, वेब सर्वर्स 5 थे, उसमें से केवल एक अवेलेबल है, बाकी के 4 अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, अब अपन आते हैं अपनी इन्वेंट्री फाइल को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो वी आई स्पेस इन्वेंट्री ग्रुप एंड ग्रुप ऑफ ग्रुप, इसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं, इस वाली इन्वेंट्री फाइल के अंदर अपन ग्रुप्स के भी ग्रुप बनाने वाले हैं। तो अपन ने देखो इन्वेंट्री फाइल यहाँ पे अभी टोटल 15 एंट्री है, ठीक है। ये 5 वेब सर्वर है, 5 एसक्यूएल सर्वर है, एंड बाकी के 5 आपके एनएफएस सर्वर हैं, ठीक है। और ये आपने एक ग्रुप बनाया, उसके अंदर आपने वेब सर्वर्स की एंट्री कर दी, दूसरा ग्रुप बनाया उसके अंदर आपने डेटाबेस सर्वर्स की एंट्री कर दी।
एंड तीसरे में आपने एनएफएस सर्वर की एंट्री कर दी। ग्रेट, एनएफएस सर्वर के अंदर देखो एंट्री यहाँ पे अपन ने कैसे की है, वही ये भी एक पैटर्न मैचिंग का है। एनएफएस सर्वर 1, एनएफएस सर्वर 2, 3 एंड 4 वो सारे कवर हो गए एक सिंगल लाइन में, ठीक है। उसके बाद में अपन ने एक ये बनाया है एनएफएस डेटाबेस सर्वर, ये जो है ये अपना पेरेंट ग्रुप है और इसके अंदर अपन ने दो चाइल्ड डाले हैं, एनएफएस सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर, ये दोनों ग्रुप हैं। तो ग्रुप डालने के लिए प्रोसेस क्या है, आपको ये कीवर्ड यूज करना होगा, ठीक है। तो चलो अब अपन इस पूरे ग्रुप को पिंग करवा के देखते हैं, अपन ग्रुप में क्या पिंग करवा के देखने वाले हैं, अपन ग्रुप के अंदर पिंग करवा के देखने वाले हैं जितने भी एनएफएस सर्वर है वो और डेटाबेस सर्वर है वो। तो ना ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई आपको ये कॉन्फ़िगरेशन है ना जो आपको जितने भी डेटाबेस सर्वर है उनके अंदर भी कर दो और जितने एनएफएस सर्वर है उनमें भी कर दो, तो उसके लिए अपन को ये ग्रुप्स की जरूरत पड़ने वाली है एनसीबल के अंदर, ठीक है। तो चलो अभी अपन पिंग करवा के देखते हैं, वही एनसीबल देते हैं ना, ओप्स एनएफएस अंडरस्कोर डेटाबेस अंडरस्कोर सर्वर्स हाइफन एम एंड पिंग। रिमेंबर पिंग के अलावा और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं जो अपना काम बहुत इजी करने वाले हैं, बट वो अपन आगे के वीडियोस में देखेंगे। अभी के केस में आप ऐसा मान लो कि एक पिंग कमांड है और अपन पिंग करने का ट्राई कर रहे हैं सारे के सारे मशीन्स को, ठीक है। तो करो अभी, देखो अभी सारे डेटाबेस सर्वर को पिंग करने का ट्राई करेगा और सारे के सारे एनएफएस सर्वर्स को, तो देखते हैं। अगेन सेम मिस्टेक आ सकता है, तो इन्वेंट्री अंडरस्कोर ग्रुप अंडरस्कोर ग्रेट, तो अब ये ट्राई करेगा आपके एनएफएस एंड डेटाबेस सर्वर्स को पिंग करने का। सी एनएफएस सर्वर नॉट रीचेबल नॉट रीचेबल नॉट रीचेबल, केवल एक डेटाबेस सर्वर है, ठीक है। हाँ अभी एक चीज जो आपके भेजे में जरूर आ रही होगी हम 100% श्योर, कैट इन्वेंट्री डॉट टी एक्स टी भेजे में चीज आ रही होगी ये, उसके बाद में ये आपका यूजर नेम, नो आपने यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो आपने प्लेन टेक्स्ट में यूजर मतलब प्लेन टेक्स्ट फाइल में है, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो इस चीज़ से प्रिवेंट कैसे करना है ये अपन आगे आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं, बट अभी अपन एकदम स्टार्टिंग ना, लाइक ऐसा है कि भाई बच्चे को साइकिल चलाना आती नहीं है, मोटरसाइकिल या हवाई जहाज चलाना सीख रहे हैं, तो अपन स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे उन चीज़ों की तरफ। अभी के केस में अपन ऐसा ही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी अपना इन्वेंट्री फाइल्स को इन्वेंट्री फाइल को अब सिंपल कर देता हूँ एकदम, क्योंकि अपन आगामी जितने भी वीडियोस रहेंगे उसके अंदर अपन यही इन्वेंट्री फाइल यूज़ करेंगे। इस इन्वेंट्री फाइल्स के अंदर एक वेब सर्वर, दो वेब सर्वर रहेंगे एंड एक आपका एसक्यूएल सर्वर रहेगा। ये वेब सर्वर आपका, एक वेब सर्वर्स का ग्रुप, एक डेटाबेस सर्वर्स का ग्रुप रहने वाला है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।